इंडियन स्टाइल वेजी पास्ता। इंडियन स्टाइल वेजी पास्ता बनाने के लिए हम जहाँ पर लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 से 3 कप पानी और 1 कप पास्ता और इसको बॉईल करेंगे। हमें इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करना है। ये देखिए पानी में एक उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमने एक बड़ा चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल डाल देना है। आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून सॉल्ट। तो इसको हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही उबालेंगे। जी देखिए जो बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें में से गर्म पानी निकाल देंगे और इसमें ठंडा पानी डालकर इसे रख देंगे जब तक हम अपना तड़का जो है वो लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने जहाँ पर लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम वेजिटेबल ऑयल और इसमें डाल देंगे ज़ीरा। हमने जहाँ पर 1 टीस्पून जीरा लिया है और जीरा भुनते ही हम इसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ जो हैं उन्हें घिस करके डाल देंगे। लहसुन को हल्का गुलाबी भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। एक कटी हुई गाजर और एक ऑरेंज बेल पेपर, रेड बेल पेपर और थोड़ी सी ब्रोकली। तो ये हम आज टिफ़िन में सर्व करने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो आप अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाना लाइक करते, तो आप उन्हें इस तरह से थोड़ी बहुत सब्जी जो है वो अपने मनपसंद, जो आपके बच्चे की मनपसंद जो सब्जी है वो इस पास्ता के ज़रिए उसको खिला सकते हैं। तो ये देखिए ये सब्जियां जो हमने इसमें डाल दी हैं उनको थोड़ा हमें सॉफ़्ट करना होगा, ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सॉफ़्ट करना होता है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाती हैं। जी हमने नमक डाल दिया जहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। और जो सब्जियाँ की जो हमने क्वांटिटी है वो हमने जैसे एक मुट्ठी के तकरीबन कोई भी सब्जी आप उसको बारीक चॉप कर लें और उसको इसमें डाल दें। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर ही कुक करेंगे। ये देखिए ये हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं वो। तो अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साथ ही में हम थोड़ी सी जहाँ पर कैचअप डाल देंगे थोड़ी स्वीटनेस के लिए। आप चाहें तो आप पास्ता सॉस डाल सकते हैं, लेकिन ये हम थोड़ा इंडियन स्टाइल बना रहे हैं, तो अगर आपके पास पास्ता सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कैचअप भी डाल सकते हैं, वो भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे टमाटो को अच्छी तरह से इसके बीच में मिक्स कर देना है और साथ ही में हम जहाँ पर एक बड़ा चम्मच जो है वो कैचअप डाल देंगे। और ये देखिए ये अब अच्छी तरह से इसमें कैचअप मिक्स हो गई है, तो अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालकर हम इसे वेजिटेबल में मिक्स कर देंगे ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही लो हीट पर पकाएंगे। ये देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर देने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और इसे दोबारा मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो वेजिटेबल पास्ता है इंडियन स्टाइल वो तैयार हो गया है। आप इसमें कोरिएंडर पाउडर चाहे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों के लिए मसाले जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो आप इसमें ब्लैक पेपर और साल्ट से ही बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार करें और ये हेल्दी भी होता है। देखिए पास्ता हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे एक लंच बॉक्स में सर्व करेंगे। जी देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ध्यान रखें कि अगर आप पास्ता गर्म सर्व करने जा रही हैं या बर्तन में लंच बॉक्स में डालने जा रही हैं, तो जो लंच बॉक्स हो जो है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, या ग्लास का और या फिर स्टील का होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही गर्म गर्म पास्ता है।
आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से पास्ता बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।